शाहरुख खान साहब को इतना एक्शन करते हुए देखा, तो यूनिक है, अच्छी फिल्म है। मैम, व्हाट अबाउट यू, कैसी लगी फिल्म? प्रोजेक्ट धमाल मचा रहा है। सी, द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म इज दैट आई सॉ द हैप्पीनेस ऑन शाहरुख खान्स फेस, और मुझे वो बहुत पसंद आया बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू स्माइल, आई वॉन्टेड हिम टू बी हैप्पी, एंड अगर ये फिल्म के सक्सेस से उनको हैप्पीनेस और उनके परिवार को हैप्पीनेस मिलती है, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उनको हैप्पीनेस मिलती है, तो मेरी दिल से दुआ है कि ये फिल्म और चले और बिजनेस करे, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट टू हैपन। नहीं, और ये बात है कि सिर्फ शाहरुख सर की टीम या प्रोडक्शन हाउस के लिए, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए या पब्लिक के लिए भी ये अच्छी बात है, वो बताइए व्हाट यू हैव टू कमेंट। देखो, मेन बात अच्छी यही है कि पिछले 2-3 साल से खासकर बॉलीवुड काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, जिस हिसाब से कोविड था, फिर बायोकट जिस हिसाब से चल रहा था, वाकई ये कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से अभी दृश्यम 2 आई, वो भी सुपर हिट थी और ये भी सुपर हिट है, और अभी ढेर सारी फिल्में आएंगी जो चलेंगी, बहुत अच्छा था। मैम, व्हाट यू टू कमेंट रिगार्डिंग फॉर एवरी फिल्म इंडस्ट्री पीपल, फॉर जनरल मासेस ऑल्सो, बहुत अच्छी बात है, लोग को इंटरेस्ट जागा है फिल्म देखने के लिए, और इंडस्ट्री के लोग के लिए भी अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, पैसा आएगा तो, यू नो, सी इंडस्ट्री ऑब्वियसली डज नॉट ओनली कंप्राइज ऑफ हिंदू मुस्लिम, इट कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं सेट पे जाके, टेक्नीशियंस एंड ऑल दोज पीपल जिनके हम नाम नहीं जानते, जिनका घर चलता है, जो पिक्चर को चलाते हैं, हम एक अपनी नैरेटिव को फैलाने के चक्कर में उन सभी लोगों की रोजी रोटी के साथ नहीं खेल सकते। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट मार्केट में आना है वो अच्छा होना चाहिए, विच इज़ वॉट आई बिलीव, बट एक नैरेटिव को फैलाने के चक्कर में आप इतने सारे लोगों के साथ, यू नो, उनकी रोजी रोटी पर निशाना करें, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे ये पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई भी एजेंडा हो। मेरे लिए ये एक तरीके का, व्हाट यू से, अटैक है ऑन ह्यूमैनिटी। यू कैन नॉट अटैक पीपल लाइक दिस वे बाय अटैकिंग एन होल इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये फिल्म के सक्सेस से अब ये थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड एंड नाउ जो अच्छा होगा वो चलेगा। लास्ट एक रिएक्शन बस, अंडर 19 टीम वुमेन्स की जीती है वर्ल्ड कप, एक अच्छी बात है कि हम पूरी टीम के साथ आए। आई जी, हां जी, साथ में आ जाओ, कहां गए लल्ला और कहां गए लोगों का रुझान जो हुआ थिएटर में जाने का, वो कितनी अच्छी बात है। ये तो बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी बात है, और बॉलीवुड को पठान ने यूं ऊपर ले जाके रख दिया है, सबसे अच्छी बात है। तो ये आगे चल के, मतलब और फिल्में जो बनेंगी और जो बिजनेस होगा उसके लिए कितना पॉजिटिव देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या अच्छा लगा इस फिल्म में, अगर देखा जाए तो व्हाट वाज द थिंग जो कि आपको, ये पूछिए आपको सवाल, तो पहले पूछ लीजिए पर्टिकुलरली ऐसा क्या चीज़ था जो फिल्म में अच्छा लगा, स्टोरी लाइन था, एक्शन था, म्यूजिक अच्छा था, सबसे अच्छी चीज़ थी वो VFX बहुत अच्छा था। यस, लाइन ही चल रहा था हॉलीवुड की तरह, VFX बहुत अच्छा था, लोकेशंस बहुत अच्छी थी, कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, और ऊपर से शाहरुख खान साहब 57 साल की उम्र में इतने फिट हो गए आए हैं, वो सबसे बेस्ट था। लास्ट रिएक्शन, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है वुमेन्स ने, वो कितना बड़ा प्राइड का बात है, वो बता दीजिए। ये वाकई में बहुत प्राइड की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी फीमेल टीम ने कोई ICC का बड़ा टूर्नामेंट जीता, क्योंकि इससे पहले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए थे, वो हम किसी कारण से वो जीत नहीं पाए थे, मगर अब की बार जीता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अब फ्यूचर ब्राइट है स्पोर्ट्स में, और अब इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बनने के उस पर है, अब हम स्पोर्ट्स की सुपर पावर बनेंगे, जैसे IPL होता था लड़कियों का, लड़कियों की टीम भी बहुत खरीद ली गई है, और नो डाउट अब स्पोर्ट्स में, जैसे अभी पठान इतना बिजनेस कर रही है ना, 2 दिन दूर नहीं कि स्पोर्ट्स में ओलंपिक में हम टॉप 10 में आएंगे। फाइनल में व्हाट यू कैन कमेंट ऑन इंडिया वुमेन्स टीम, नो नो, विनिंग द वर्ल्ड कप। I would just congratulate them, because it's a great achievement as a woman. I believe that jitna hum alag alag kshetra mein apna jhanda gaarenge, that is going to be great, because abhi bhi ye ek purush pradhan desh hai, purush pradhan duniya hai, ye sab politically chhodo, so wherever women can win and, you know, achieve things, I would always support them. Ye to hai na, nahi kuch nahi, acha nahi, dekho zindagi ek tarike se jiyo bhaiya,
की तारीफें दिन बनाती और ताने जिंदगी। क्या बात है। एंड मैम व्हाट अबाउट लॉकअप के बाद और कोई रियलिटी शो टारगेट कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग माय डांस रील्स, हैविंग फन। किसी को अच्छा काम मेरे साथ करना होगा, जुड़ना होगा, देन आई विल यू नो वर्क विद देम, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है। एंड संग्राम जी है सो सारे चीजों के लिए अभी आप सबको एक बड़ा अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। बस बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक बड़ी चीज आने वाली है। थैंक यू।